अरे तप करने को पार्वती चली, अरे कधर भोले को ठान लई तब अरे ठान अरे शैल कुमारी करान चली ताप से ले कुमारे करान चली ताप से सपना में एक बार बताओ तप कर लू सुख मारी सपने में एक बार बताओ तप कर लू सुख मारी ओ नारद मुनि बोले ओ नारद मुनि ने शास्त्र बताओ तप में फल है भारी जागी शैल कुमारी करान चली तप से अरे हो कुमारे करान चली रे तप से जब नारद मुनि हस्तरेखा देखकर चले गए जब पार्वती अपने महलों में सो रही थी तभी एक सपना आया और सपने में नारद मुनि आए और नारद मुनि ने सपने में पार्वती को बताया कि तुम भगवान भोलेनाथ का ध्यान रखो तप करो तब जैसो सपनो खायाओ माँ से कहते ओ चारी अरे जैसो सपनों को आ
बताया पार्वती को, पार्वती ने अपनी माता को बताया कि ऐसा सपना आया है। तब माता ने समझाया कि बेटा सपने कभी सच नहीं होते हैं, ये बेकार की झूठी झंझट है, कोई बात नहीं है, तुम्हें महल में रहो। लेकिन पार्वती नहीं मान रही है। ओ जैसो सपनों ने खाया ओ माँ से कहते बेचारी, अरे जैसो सपनों उनको आओ माँ से कहते बेचारी, ओ माता पिता बहु बेध समझ आओ मानत नहीं दुलारी, तप की हो कर लई तैयारी कराने चली तप से, अरे हो कुहारे कराने चली तप से, ले कुहारी कराने चली तप से, अरे हो तप बल ब्रह्मा से सेठी रचत है विष्णु पालत सारी, तप से शिव सांगारे करान चली रे तप से, आए हो कुमारे करान चली तप से, अरे कुआरी कराने चली ताप से, ले कुमारे कराने चली ताप से, ले कुमारे कराने चली ताप से। और भैया धनी राम यादव आमखेरा, भज्जू यादव धनगुआ, मुन्ना पाल आमखेरा, इनके द्वारा इनके 8 रुपये हैं। भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद है। पार्वती की महिमा सुनाई सुन तन भाई सुखारी, पार्वती की